वेरी नाइस भाई, आज की ये पार्टी विशेष की पोएट्री के बिना इनकम्प्लीट है। क्यों विशेष? हो जाए कुछ तड़कती भड़कती शायरी इन हसीनाओं के लिए। ये पंक्तियां उन लोगों के लिए जो सुनने की ताकत और समझने का दिल रखते हैं। कहूंगा मैं, लेकिन बात बात हर दुपट्टे वाले की मन की होगी। कभी घड़ी की सुइयां खींच गई तो कभी सूरज ढलते ढलते खींच गया। कभी बिन छतरी वाली बारिश ने खींची तो कभी अंधेरा चलते चलते खींच गया। मैं तो थी जमीन पर सबने मुझे उड़ते देखा। पंख तो थे ना मेरे जो काट दे, तो बस खींच दी लक्ष्मण रेखा। मेरी स्कर्ट की लंबाई ने, मेरे ब्लाउज की गहराई ने, मेरे मेकअप के रंग ने, मेरे कसाब भरे अंग ने, मेरी आवाज के उठने ने, मेरी नजर के ना झुकने ने, मेरे शब्दों के इस्तेमाल ने, तो कभी मेरे खुले बाल ने दिया मुझे चरित्र, दी मर्यादा, या दिया दुनिया को मौका। पंख तो थे ना मेरे जो काट दे, तो बस खींच दी लक्ष्मण रेखा। मेरे फैसले मेरे हौसलों ने नहीं, मेरी लक्ष्मण रेखा ने किए। जो इसके पार ना जा सकूं, बस मुझे उतने ही कदम दिए। लेकिन अब इन कदमों के नीचे पहिए लगाने का मन करता है। मेरा ही तो मन है, किसी से नहीं डरता, तो नहीं डरता। करने दो मुझे फैसला कि मेरे स्कर्ट की लंबाई क्या होगी, मेरे ब्लाउज, मेरी हंसी, मेरी आवाज की गहराई ऊंचाई क्या होगी। अगर सिखाना ही है कुछ तो बेटों को सिखाओ। हर लड़की में उन्हें किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी दिखाओ। पंख नहीं है मेरे पास, पर छूना मुझे आसमान है। अपनी एक उड़ा बनानी है। इरादों का रबर है मेरे पास, जिससे विचारों से बनी ये लक्ष्मण रेखा मिटानी है। थैंक्स विशेष। काश हर लड़का आपकी तरह सोचता। काश हर लड़की थोड़ा अलग सोचती, थोड़ा अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानती। काश मुझे ये पंक्तियां लिखने और कहने की जरूरत ना पड़ती। जब सांसें सांचों में लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, तब सिर्फ एक बात आपको बचा सकती है, विश्वास खुद पर। याद रखना, पूरी जान लगाकर वार करना, वो भी हमारे जैसा, उसे भी दर्द होता है। और जैसे ही वो अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, तभी तभी तुरंत वहां से भाग जाना, समझे? Yes, ma'am. सजग रहना है, एकदम अलर्ट। Yes, ma'am. क्लास ओवर ना।
नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या ट्रेनिंग दी है आपने हमारी बुलबुल को, और क्या हाथ पैर चल रहे हैं आजकल हमारी बुलबुल के। मैं बताऊं आपको, कल हमें टैंक रोड तक जाना था, ऑटो रिक्शा वाले से बोला, बोला मैं नहीं जा रहा उस तरफ। उसने बड़ी बदतमीजी की, तब हमारी बुलबुल को गुस्सा आ गया और बुलबुल ने उसकी तबीयत से ऐसे खातिरदारी की, ऐसे खातिरदारी की कि मजा आ गया। कल से बुलबुल को क्लास में मत लाइएगा। क्यों, इतना बढ़िया तो सीख रही है हमारी बिटिया। जी नहीं, मैं ये नहीं सिखा रही, मैं आत्मरक्षा करना सिखाती हूँ, गुंडागर्दी नहीं। न जाने कब किस मोड़ पर कौन सी मुसीबत आपके लिए घात लगाए बैठी हूँ। मैं मुश्किलों से बचना सिखाती हूँ, लोगों को मुश्किलों में डालना नहीं। कीरू, तकिए शर्म से रुई सार हुए जा रहे हैं, और गिलाफ है, गिलाफ कहाँ है? पापा। बेटा ये देख, ये पुराने वाले मिल गए हैं, नए वाले जो दिवाली पे लिए थे कहाँ हैं? अरे बोलना बेटा। ये पुराने वाले साइड में रखी। हाँ, और तेरी तरह सारा काम कंचन पे छोड़ दूँ, है ना? इतनी बड़ी। चलो। अरे, अरे छोड़ मुझे। घर में रोके का फंक्शन है और तुझे आलस फैलाने की पड़ी। पापा, आलस नहीं फैलाने वाली हूँ, आपके साथ ना गर्मा गर्म चाय के मजे लेने वाली हूँ। हाँ, और इतनी सारी तैयारियाँ कौन करेगा? पापा देखिए, अपने घंटों लगाकर अपने इतना बेस्ट तो दे दिया ना, बस अब आपकी प्यारी सी बेटी मेरी कंचन दी दुआएंगी और यूं पूरे घर की काया पलट कर देंगी। आप ज्यादा लोड ना लो और चाय पियो, अभी तो वो वहाँ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है, तब तक हम दोनों आत्मतृप्ति करते हैं। चीयर्स। हेलो, क्या विशेष दिव्यानी ठाकुर है वो, अपनी जान पर खेल कर भी अपने दोस्त की जान बचा लेगा वो। ये कंचन बिटिया, 10 डब्बे और बढ़ा दूं क्या लड्डू के? नहीं पापा, 11 डब्बे ठीक है एकदम। अरे ये नए वाले लिहाफ कहाँ से मिले? आपकी अलमीरा में रखे थे। हर चीज अच्छे से संभाल के रख लेती है, बस बाकी अब ठाकुर जी संभाल लें। पापा, ताऊ जी का फोन आया क्या? कहाँ तक पहुँचे वो? फोन भी आया था और वो भी पहुँचने ही वाले हैं। बड़े परेशान लग रहे थे बलदेव भाई साहब। देखो ना, 3 साल हो गए हैं बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते, कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, फिर भी बात कहीं ना कहीं जाके अटक जाती। अब 10 रिश्ते मना होने के बाद में अब जाके कहीं शीतल की बात बनी है, बस अब ये अच्छे से निपट जाए, वरना बलदेव भाई साहब तो। पापा, ठाकुर जी है ना, अब इतना इंतजार करवाया तो जो होगा अच्छा ही होगा।
और वैसे शीतल दी को तो वो लोग पसंद कर चुके हैं, आज उनका रोका भी हो जाएगा। बस बस ऐसे ही हर मुश्किल से संभाल लेती थी तेरी माँ भी मुझे, तेरी सियानी बिटिया। शीतल के बाद अब तेरा ही नंबर है। ओहो पापा, शादी नहीं जैसे आधार कार्ड हो गया, इसके बिना कोई वजूद ही नहीं हमारा। भाई मुझे तो दूर ही रखे इन सब चक्करों से। ओहो बोला तो नो शादी, मैं आपका और इस घर का पिंड ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। लेकिन एक ना एक दिन तो तेरी शादी होगी ना, उस दिन देखूंगा कितना याद रखती है तू अपने पापा को और इस घर को। चावल के दाने डालकर मेरी झोली में चली जाएगी और पीछे मुड़कर देखेगी भी नहीं। You really think so? मेरी जिंदगी पर ना मेरी फैमिली का आपका सबसे ज्यादा हक है, और मैं उस गुड्डे के हक के बारे में सोच रहा हूँ जो एक दिन मेरी गुड़िया को मुझसे छीन के ले जाए। कल किसने देखा है पापा, यहाँ तो अगले पल का ही पता नहीं कि कब क्या हो जाए। गुड्डे की कहानी तो बीते कल के साथ खत्म, सिर्फ आप आज की बात कीजिए। रेडी है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। हलवा तैयार है, कचौरी तैयार है। दी दो, इवन आई एम रेडी। कैसी लग रही हूं मैं? टाटा मत प्लीज, प्लीज 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 टाटा मत। किससे पूछ के निकाली ये ड्रेस? मना किया था ना मैंने, जहां से निकाली है वहीं पर रख कर। लेकिन दीदू, कीर्ति अभी इसी वक्त इस ड्रेस को उतार कर आओ। लेकिन दीदू मेरी बात, दीदू सुनो तो। हाँ ठीक है बस, हाँ ओके ओके आ जाओ। देखो ना, माँ ने इतनी प्यारी ड्रेस ली थी आपके लिए, और आपने कितनी बार पहना भी तो है ना इसे, तो फिर अब क्या हो गया, आप इतना क्यों चढ़ रहे हो इससे? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था ना आपका, और उस एक्सीडेंट वाली बात को भी ना 3 साल हो गए, तब से ड्रेस अलमारी में सड़ रहा है। आपको मम्मी के दिए हुए गिफ्ट की कोई कदर नहीं है ना? मुझे तो है, और मैं ड्रेस पहनूंगी बस खत्म। कितनी बार कहा है मैंने, कोई सवाल जवाब कोई बहस नहीं, उतारी से। अरे कंचन बेटा, अगर तुझे नहीं पहननी मत पहन, अगर कीरू पहनना चाह रही है तो पहनने देना। नहीं पापा। कितनी बार कहा है इसे, और कितनी बार मना करूं मैं? बेटा बेटा इधर देख, ये तू पहले ठीक कर चुकी है।
और कोई कसर बाकी रह गई थी जो पूरी करने आई हो? इतना क्या भाव खा रही है? देख, तेरी फेवरेट बेकरी से कपकेक्स लेकर आई हूँ, खा। मुझे नहीं खाना कोई कपकेक। खा खा खा। और फेवरेट है ना तेरे, ले। राधे राधे। राधे राधे, छोटी रानी ने आपको बुलाया है, हवेली पर आ जाइए। जी, आज तो मैं नहीं आ सकती, घर में फंक्शन है। छोटी रानी से कहना कि आज के लिए मैं माफी मांग रही हूँ। हाँ कंचन। राधे राधे छोटी रानी जी। छोटी रानी जी, मैं जरूर आती, पर क्या है ना, मेरी बहन का रोका। कुछ ऐसा ही जरूरी काम हमारा भी है। राजकुमार विशेष के रिश्ते की बात है, वरना हम तुम्हें फोर्स नहीं करते। बस फेशियल ही करने आ जाओ, हम तुम्हें टाइम पर घर भिजवा देंगे। अब आ जाओ। जी रानी जी, मैं आती हूँ। शीतल दी और ताऊ जी आते ही होंगे, तो तू संभाल लियो, मैं यूं गई और यूं आई। पागल हो गया क्या तू? ये क्या करने चला था? आज शीतल का रोका है। वो आज किसी और की हो जाएगी, नहीं रह सकता मैं शीतल के बगैर। शीतल दी तू रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा, देखना। अब भी टेंशन ले रहे हो क्या? एक मिनट रुको। ये लो, मस्त चिल्ड सा जूस पियो और टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। मेरे यार, अब जिंदगी अपने आप वजह देगी जीने की। हमें जरूरत है तो खुशियों को ढूंढने की। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है यार। ये सब तेरे लिए कहना बहुत आसान है, तू प्रिंस है ना, मथुरा राजघराने का प्रिंस विशेष देवयानी ठाकुर। ओ यार, आप राजकुमार खुशियों के पास नहीं जाते हैं, खुशियां छक मार के उनके पास आती है। तू मेरा दर्द कभी नहीं समझ पाएगा, तूने दर्द और मुश्किलें देखी कहां है। नमस्ते भाई साहब, भाभी जी नहीं आई? अरे उसका मत पूछो जी, घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने कही है कि अगर ज्यादा चले फिरेगी ना तो 9 की लकड़ी है, 90 खर्च हो जाएंगे। बाकी उसने वहां से आशीर्वाद भेजा है अपनी बहू के लिए। और बलदेव जी, रिश्ता तो सबको बहुत पसंद आया है भाई। आपकी बिटिया सबको बहुत पसंद आई है। तीतू, 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 तीतू। आपके ना कन्हैया आ गए और ये कन्हैया ना चाय पीते हैं। मैं इनके लिए चाय बना के आती हूँ, ठीक है? और बाकी पर्ची है, ये रीति रिवाज जो होते हैं बस वही है जी, बस इसके हिसाब से सब करना होगा, बाकी हमें कुछ ना चाहिए। ओ यारा, दुनिया में दर्द और माँ का प्यार, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी में भेदभाव नहीं करती। पता है, हर किसी की जिंदगी की एक अलग कहानी होती है, और अगर तुझे अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग करनी है ना, तो लड़ना सीख, मरना नहीं।
देखो जी, बेटा मेरा इंजीनियर है सर, तो रिश्तों की तो लाइन लगी रहती है, और बाकी कुछ ज्यादा थोड़ा ना मांग रहे हैं, इतना तो करना ही पड़े है जी, रीति रिवाज है जी। चलो जी, आप लोग ऐसा करो, आप लोग आपस में सोच विचार कर लो, जब तक हम लोग थोड़ा हवा खा के आते हैं, हैं? है जी, कर ले। ये कैसे, मतलब मेरे बूते से बाहर है नंदन, इसमें 8-9 लाख तो लगी जाएंगे, कैसे होगा शीतल का रिश्ता? इतनी जल्दी अपने यारा को मैं हारने नहीं दूंगा, समझा? अभी तो बहुत कुछ करना है हमें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई, झटका तो लगा ही है, और मेरा बेटा इतना भी सस्ता ना है भाई, रिश्ता करना है तो कीमत देनी पड़ेगी, और नहीं तो यादव जी की लड़की है ना, ये राजघराने की गाड़ी इन फटीचरों के यहाँ कैसे? ये आप मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। ऐसे कैसे, छोटी रानी की जो बात है। छोटी रानी, अब चलिए चलिए आप। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हेलो, हाँ हाँ, राजकुमार जी का ससुराल ना? हाँ भाई, हाँ, सब ठीक है। छोटी रानी, अरे भाई विशेष जी के रिश्ते की बात है तो ये रिश्ते लड़की वालों के यहाँ। अरे कंचन बेबी जी, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगा मैं। ठीक, चलो। चाचा एक काम कीजिए, ये मिठाइयाँ ना अंदर पहुँचा दीजिए आप, ठीक है? मैं चलता हूँ, धन्यवाद। अरे जेबा, सही। क्या हुआ, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? वो शीतल का रिश्ता। अरे संधि जी, आज तो जीवन सफल हो गया जी, आज हमारा राजघराने से कनेक्शन वाले हो गए जी, आज हम भी। गले लगो जी, गले लगो संधि जी। अरे इधर आओ, और ये पर्ची दो, ये सब फेंको बाहर। आपने बताया नहीं कंचन बिटिया का रिश्ता राजघराने में हो गया है? अरे हमें सब पता चल गई भाई। ये पर आप बात कैसी कर, मतलब? अरे छोड़िए उसको, राजघराने के ड्राइवर ने हमें सब बता दिया भाई। विशेष देवयानी ठाकुर संग कंचन बिटिया का ब्याह पक्का हुआ है, और आप तो हमें बता ही ना रहे थे, लेकिन हमने पता कर ली है भाई। अब जब राजघराने वालों ने ना सोचा तो हम क्या सोचेंगे, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। मैं देखती हूँ। हेलो शीतल, ना ही मैं खुद को खत्म कर पाया और ना ही तुम्हारे प्यार को, और मैं एक मिनट, हाय शीतल, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। देखो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, और तुम दोनों को साथ में अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले ही पापा से बात कर ली थी, वो
वो जग्गी और मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। उनके लिए बिरादरी ही सब कुछ है। एक आखिरी बार कंचन बिटिया का रिश्ता राजघराने में हो गया है। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। अब 10 रिश्ते मना होने के बाद में अब जाके कहीं शीतल की बात बनी। बस अब ये अच्छे से निपट जाए वरना बलदेव भाई साहब तो कहीं सब कुछ बिखर ना जाए। ये 11वां रिश्ता टूटा तो शीतल दी भी टूट जाएंगी। मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोलूं? सॉरी, आप बिजी होंगे ना? मैं समझता हूँ, वक्त ही कुछ ऐसा है। एक तरफ आपके जन्म से जुड़े हुए रिश्ते हैं और दूसरी तरफ आपका फैसला, आपका अपना फैसला। बस आपके उसी फैसले में मदद करने के लिए मैंने आपको दोबारा फोन किया। सॉरी, मैं सही और गलत के बीच केवल नजरिए का फर्क होता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूरे भरोसे के साथ ये फैसला लीजिए। अगर आपके इरादे गलत नहीं है ना, तो इस वक्त चाहे रास्ता आपको कितना भी गलत लगे, लेकिन उसका अंजाम बिल्कुल सही होगा। मैं नहीं चाहता कि आपके अपनों को चोट पहुंचे। देखिए सॉरी, आप कौन हैं? किससे बात करनी है आपको? हेलो आई थिंक रॉन्ग नंबर लगे हैं। आई एम सॉरी। एक मिनट, आपने इतना कुछ कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जी पूछे। आपने कहा कि मंजिल सही होनी चाहिए, रास्ता चाहे गलत क्यों ना, लेकिन छूट के रास्ते से मंजिल पाना तो बेईमानी करना हुआ ना, तो फिर झूठ का सहारा लेना भी गलत हुआ ना। बात बिल्कुल सही है, झूठ के सहारे मंजिल पाना तो बहुत गलत बात है। लेकिन अगर वो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला गया, उससे किसी का दिल ना दुखे, तो वो झूठ 100 कठोर सच के बराबर होता है, क्योंकि उस वक्त वो झूठ एक सच का फर्ज निभाता है। बस नीयत साफ होनी चाहिए। थैंक यू जी। झूठ के सारे मंजिल पाना तो बहुत गलत बात है, लेकिन अगर वो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला गया, उससे किसी का दिल ना दुखे, तो वो झूठ 100 कठोर सच के बराबर होता है, क्योंकि उस वक्त वो झूठ एक सच का फर्ज निभाता है।